हेलो एवरीवन, आइए आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक अनोखे अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। जो बाहर एक बच्चा है, उसने सूरज का रोल प्ले किया है। जो बच्चे सूरज की तरफ हाथ फैलाए हुए हैं, ये पेड़ के पत्ते हैं जो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं। और ये है पेड़ का तना जिसमें हमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नज़र आ रहे हैं। ये लास्ट में है पेड़ की जड़ें जो पानी को सोखती है और जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी को पत्तों तक पहुंचाने का काम करती है। हरे पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल नामक वर्णक सनलाइट को सोखता है और पत्ते स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। वहीं पेड़ की जड़ें पानी को सोखती है और यही पानी जाइलम टिश्यू की मदद से धीरे धीरे पत्तों की तरफ पहुंचाया जाता है। अब पत्ते सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और पत्तों के द्वारा तैयार किया गया भोजन पेड़ के सभी भागों में फ्लोएम टिश्यूओं की मदद से पहुंचाया जाता है। और इसी प्रोसेस में पत्ते स्टोमेटा के द्वारा हवा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमें जीवन देती है। तो ये था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। थैंक यू।